नमस्कार सांग मैंने मानस आपण देखुंत ओडिया ब्लैक स्टोरी तो मुझे आउ गोटे नुआ भयंकर कहानी नहीं आपन को यही भूतप्रेत कहानी शुणापी भल लगी था तेज आम चैनल टी निश्चय सब्सक्राइब करूँ एवं आपण सांगा भिडियोटी सेयार करूँ तो चलतु आउ डेरी नक आम कहानी को शीघ्र शीघ्र आरंभ करवा। तो से दिन आम कलेज एग्जाम सरी जाए टेनसन कहले मनरे कि न थाए तो आम चारि पांच जन साग गोटे गाँवर गोटे स्कूल पढ़ी चुम तो आम चारि पांच जन साग सका पाइले मात्र ही घरे कि अल्प दूर खाई गोटे जगह बस फ्री फायर पबजी गेम खेल लगि पड़ू से दिन आम गेम खेली खेली आमको बोरींग लगे आम चारि पांच जन साग गोटे जगह बस गपसप होम सांगसाथी गपसप चलता भितर रमेश आम समस्त कहला अब सांग मैंने आम चल कौट गोटे बाहर जा फिस्ट करवा अब गाँ भर के भोजी करवा गाँ भर भोजी कर मत बोरींग लगला रमेशर कथा शुणी मुना ताऊ संशय कहला हाँ बे शाला गाँव में भोजी होगा बेले तो पाखु टाटे बाहर नहीं तो शाला बाहर को भोजी करजु शाला कंजूस कोटिकार मुनार पार्टी कथी एत सरीजु कि ना तो दुई सांग भितर जुक्तितर्क लड़े होगा तो से दुईज लड़े हबार देखी मो मुना संशय कहली अरे भाई छाड़ ना ता कथा तू ता सहित कहीं सब लगुच कहल ता सहित न लगे तोर कौन खाइबा हजम हुए से दुईज जाक लड़े चुपचाप बसापर मु समस्त को सीरीयस भाव में कहली देख सांग मैंने गाँव में आम समस्ते भोजी करक्त लगे तो आम कौटी गोटे भल जगार भोजी कले आम समस्त बहुत मजा भी लगे आलाबूल करने बहुत सुविधा हाब तो पार्टी कथी सरीज कि ना आम सांग भितर पिंकु मत कहला अरे भाई आम सापुआ डैम गले कमी हम आम घर लोक सहित मुझी बहुत बढ़िया जगह भाई सेठी भोजी बहुत बहुत लोग कर बहुत बाटर भी आसो आगे देखिए बहुत बढ़िया भी साप बढ़िया डैम से ही जगह आम जब भोजी करवा ना बहुत मजा आसव आ बहुत मजा भी लगे पिंकुर कथा शुणी आम सांग समस्ते राजी गलु मु संगे संगे सांग कहली भाई मुझे जगह को केवे भी जाए मोबाइल देखी थी बहुत बढ़िया जगह से ही जगह भोजी करवा ना बहुत भल हम तो आम परदिन सापुआ डैम को जाए भोजी करने निष्पत्ति नेलु आम सांग समस्ते घर लोगों ठार पैसा पत्र आरेंज कर गाँव में थोड़ा गोटे बोलर भड़ा कर परदिन रोष सामग्री जिनस सबू लोड कर सापुआ डैम को भोज करने बाहरी गलु तो आम गाड़ी पहुँच पहुँचु से दिन बारटा ही सारी थाए से डिसेम्बर मसर शीत दिन ऋतु चल थाए नुआ वर्ष पखे आसप अल्प किसी लोक गोटे गोटे जगार भोज भात करते तो आम सांग समस्ते फटाफट गाड़ी ओह्ल रोषवास करने भल जगह टे खोजार लगिगलु बहुत आड़े खोजाखोजी कलापर जंगल पाख लगे गोटे भल जगह टे आमको मिलगला तो आम गाड़ी टी से जगह को आनी रोष सामग्री सब गाड़ी काढ़ी तले रखा लगिल फटाफट चूली जोगाड़ कर रोषवास आरंभ करदेलु से टाइम गोटे ही सारी थाए मुत रोषवास व्यस्त रही थाए मो सांग पिंकु छड़ा आम दुईज छड़ा आ कहीं भी आम पाखे न था आउ सांग समस्ते बुलाबूल व्यस्त रही था तो मो रोषवास भितर पिंकु मत कहला सांग देखल आम दुईज रोष करे से समस्ते बुलवर व्यस्त रोचा चल आम बुलाक पलवा रोषवास कि न हो तो पिंकु कहली आरे आम जब रोष न कराया कौन खाइबा से सीना बुलाबूल करम समस्त बुलवा रोष किए कर आउ व्यस्त एमती कौन पर हो आम खाया पिया सरापुर आम समस्ते पुणी मिसिक बुलाबूल करवा तो मो कथा एत शुणी पिंकु आ कि न कह चुपचाप ही रोष करने को लगला पखापाखि घंटाए पर तीन जन सांग आसी आम पाखे पहुँचीगले से आम चिकेन कसाकुसी चल थाए तो से मुना आमको कहला अरे भाई शीघ्र शीघ्र टे रोष कै मत बहुत जोर भोक लगे मो सांगे रोष कर पिंकु मुना को संगे कहला हाँ बे तुम्हें सब बुलाबूल कर आम दुईज तुम्हें सब रोषवास करूँ पिंकुर कथा शुणी मुझे कहली आरे सांग छाना से कथा सांग दोस्ती एमती सब हुए सांग मैंने आम एत बाटर आस कौन खाली भात चिकेन खाई जावा आउ नाली पानी व्यवस्था करवा कि नहीं पाटर कथा शुणी मुना संशय कहला अरे भाई नाली पानी व्यवस्था मुँह करी तुमने जमार भी टेनसन नियोनी मुझ अबिका जा सागे सागे नहीं आसूँ प्राय अधघंटा पर दुईटा बड़ बड़ बोतल नहीं आसला तो आम डेरी नक चिकेन टू गोटे जगह ओह्ल खाया पीयर व्यस्त रहीगलु तो से सन्ध्या सारी थाए सेठिकार भोजी कर लोक मैंने जेजाघर जेजे सब जा सारी था खियापिया व्यस्ततार केतजे सन्ध्या जाए आम मैंने कहीं भी जाणी न था तो से बड़ गपस भितर मुनार फोन टी हठात बाजि उठिला।
ସିଏ ସିଏ ସେ ଫୋନ୍ଟି ପକେଟରୁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସିଏ ଆମଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଦୂର ଯାଇ ଫୋନ୍ରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫୋନ୍ରେ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ତା ପଛରେ କେହି ଯେମିତି ଗଲା ପରେ ଲାଗିଲା। ତ ସେତିକିବେଳେ ସେହି ଜାଗାରେ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ହାତ ରଖିବାର ଅନୁମାନ ହେଲା। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲା ପରେ ଲାଗିଲା, କାରଣ ତା ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତା ମୁହଁଟି ବହୁତ କଜଦ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଆଖି ଦୁଇଠାରୁ ଲାଲ ଲାଲ ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା। ତ ମୁନା ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା। ମୁନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତା ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ତ ମୁନାର କଥା ଶୁଣି ପିଙ୍କୁ ତାକୁ ଟିକେ ହସିକିନା କହିଲା, ଆବେ ଏବେ ତତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭୂତ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ନିଶା ତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ବେ। ତ ମୁନାକୁ ଆମେ ବୁଝାସୁଝା କରି ପୁଣି ଗପସପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ତ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ପଛପଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭଗଲା। ତ ସେଇ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିସାରିଥାଏ ଆମ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଛଡ଼ା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କେହି ଜଣେ ବି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କେହି ଦେଖିପାରୁନୁ। ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫଟାଫଟ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖି ଗାଡ଼ିର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ନମସ୍କାର।